हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी से जो है चार टाइप्स के पैटर्न में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला पैटर्न होता है उसमें एक ही रेलगाड़ी दिया रहता है, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या होता है, उसमें दो रेलगाड़ियां दी रहती है और वो एक ही दिशा में चलती है या तो फिर विपरीत दिशा में। उसमें आपको लंबाई या समय निकालना रहता है। और जो पहला है एक रेलगाड़ी, उसमें चाल दूरी समय निकालना रहता है। यदि दूरी दिया है और समय दिया तो चाल पूछेगा, यदि चाल समय दिया है तो दूरी पूछेगा। सब बनेंगे एक ही फॉर्मूले से, ठीक है। और तीसरा जो होता है रुकावट संबंधी प्रश्न। जो है रुकावट संबंधी प्रश्न में क्या करता है, कोई ट्रेन चल रही है या बस चल रही है और कुछ देर के लिए वो रुक जाती है कहीं पे, ठीक है। तो रुकने के बाद जो है उसकी जो चाल में परिवर्तन होती है, ठीक है, फिर वो कितनी देर के लिए रुकी, बस या ट्रेन, ये पूछा जाता है, ठीक है। चौथा जो पैटर्न आता है उसमें आता है कि रेलगाड़ी जो है दो स्टेशन है, एक स्टेशन से जो है दूसरे स्टेशन की तुलना में पहले छूट जाती है ट्रेन, ठीक है। सपोज एक स्टेशन ए है, एक बी है, ए से जो है ट्रेन निकल रही है एक घंटे पहले दूसरे ट्रेन की तुलना में, ठीक है। जैसे 7 बजे निकल रही है, दूसरी 8 बजे निकल रही है, और दोनों की जो है जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर वो जो है अलग अलग है, तो दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगी, ये पूछा जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ती है उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फार्मूला देख लेते हैं जो यूज होने वाला है। तो चाल बराबर हम लोग 6th से 9th में पढ़ते आ रहे हैं, 6th, 7th, 8th में चाल बराबर भौतिकी वाले पोर्शन में, ठीक है। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अब इसी फार्मूले का सभी पैटर्न में यूज होना है, ठीक है। यदि समय और चाल दिया है तो दूरी निकालने को बोलेगा, दूरी समय दिया है तो चाल निकल जाएगा, चाल और दूरी दिया है तो समय निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन। अब दूरी में यहां दूरी दूरी से क्या अभिप्राय है, दूरी में हो सकता है ये प्लेटफॉर्म की दूरी, ठीक है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी हो सकती है क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाती है, और पुल हो सकता है कि पुल को कितने समय में क्रॉस करती है, या तो फिर गुफा हो सकता है, ठीक है। दूरी से ये है, ठीक है, बटे समय, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज जो जानने लायक है वो होती है यूनिट चेंज करना। यूनिट किसका, यदि किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से, यदि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तब, ठीक है। और यदि मीटर पर सेकंड दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में जरूरत पड़ा, ठीक है, तो 18/5 से करते हैं, ये याद रखना। ये कहां से है 5/18, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कहां से आता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 1000 मीटर होता है। और पर आवर यानी कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि सेकंड में चेंज करना है, तो 24 × 60 × 60 तो 3600 होता है आपका, यानी एक घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है। तो उसको कटा दोगे तो आपके पास बच जाता है 5/18, ये यहीं से आया है, ठीक है। सिमिलरली मीटर पर सेकंड को देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए ये जो 18/5 है क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे 1/1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया क्योंकि मीटर में चेंज करना है अपने को, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/1 घंटा में 3600 सेकेंड, जस्ट उल्टा कर रहे हैं इसलिए अपन बटे के रूप में लिखें, ठीक है। अब ये क्या होता है, 1/1000 गुणा ये 3600 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यदि बटे के रूप में गुणा के रूप में लिखे तो बटे को, ठीक है। फिर इसको कटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18/5 आ जाता है। तो समझ में आ गई होगी कि ये कहां से आया, आपको बस यही याद रखना है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड। इसको याद भी कैसे रखना है कि ये किलोमीटर बड़ा डेटा है, मीटर छोटा डेटा है, ठीक है। तो 5 और 18 को याद रखिएगा, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे डेटा में जा रहे हैं तो ऊपर में 5 रहेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यदि मीटर से यानी छोटा डेटा से किलोमीटर में जा रहे हैं तब 18 रहेगा ऊपर में, ठीक है, ये याद हो जाएगी, ठीक है।
तीसरी चीज, जब दो ट्रेनें दी रही है ठीक है, और वो विपरीत दिशा में जा रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, मान लीजिए दो स्टेशन है ठीक है, ये जो ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर, ये विपरीत दिशाओं में जाएगी, तो जो चाल होगा दोनों की चाल, उसको आपस में क्या करेंगे, हमेशा जो है पॉजिटिव होती है यदि क्रॉस करे तो ठीक है। और ये जो ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, और मान लीजिए दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, दूसरा केस ठीक है, ये दूसरा है, ये दूसरा केस, दोनों ट्रेन, तो चाल क्या होगी, निगेटिव, यानी आपस में उसको माइनस करेंगे, इसको याद रखना ठीक है। अब फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हाँ यहाँ पे जो है ये ध्यान देना है, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, पुल और गुफा की हम लोग क्या करते हैं, दूरी यानी कि लंबाई निकालते हैं। यदि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभे, क्या क्या चीज, व्यक्ति, खंभे या पेड़ को क्रॉस करती है ठीक है, कोई रेलगाड़ी जो है व्यक्ति, खंभे या पेड़ को क्रॉस करती है, तो इसका मतलब वह खुद की लंबाई को क्रॉस करती है ट्रेन जो है, क्योंकि व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे की क्या होती है, लंबाई नहीं होती है, उसकी ऊंचाई होती है, वो ट्रेन के तुलना में जो है नगण्य होता है ठीक है, इसलिए उसका मान क्या लेंगे, जीरो लेंगे लंबाई ठीक है। ये हो गई, अब क्वेश्चन समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते। यदि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ठीक है। ये कितना दिया है, किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, मैंने बोला था किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5/18 का आपको गुणा करना है ठीक है, तो 18 × 36 होता है, यानी 18 × 4 क्या हो जाएगा, 72 हो जाता है, 5 × 4 = 20 मीटर पर सेकंड ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये मैं यूनिट चेंज करना सिखा रहा हूँ, इसके बाद मेन क्वेश्चन यहाँ तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट होगा ठीक है। ये तो समझ गया मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। दूसरी चीज देखते हैं, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में निकालना ठीक है। तो छोटी डेटा से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, ने 25 गुणा क्या हो जाएगी, 18/5, 5×5 = 25 होता है ठीक है, तो 5×8 = 40 की सुन हासिल है 4×5 = 5 और 4 = 90, यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है ठीक है। ये याद हो गई आपको। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूले को याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय हर जगह यूज होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम ये पैटर्न आता है ठीक है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 150 मीटर, यानी कि क्या दी हुई है, दूरी दी हुई है ठीक है। उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, चाल भी दी हुई है। वह रेलवे पटरी में खड़े किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा ठीक है, यहाँ पे टाइम पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अपन देखें, दूरी बटे समय ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, चाल कितना दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ठीक है, बराबर दूरी कितनी है, प्लेटफॉर्म या ट्रेन की लंबाई दी है वो दूरी में काउंट करना ठीक है, 150 मीटर दी हुई है, बटे टी आपको निकालना है। अब देखो ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, यूनिट चेंज करने की। तो 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 को गुणा कर देते हैं, यानी कि 5/18 को गुणा कर देंगे, ये चाल है ठीक है, चाल लिख दिए, दूरी लिख दिए, समय अपने को क्या करना है, निकालना है। 54 के यूनिट चेंज कर लिए अपन, क्योंकि मीटर पर सेकंड मीटर में दिया है लंबाई, बराबर क्या है, 150 मीटर, ये टी निकालना है अपने को ठीक है। अब यहां से देखो 18 को गुणा करोगे, 18 × 36, 18 तीन बार में कट जाएगा, 18 × 3 = 54 ठीक है, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 15/150/t, समय निकालना है ठीक है। तो यदि टी की वैल्यू निकाली तो 15 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाता है ठीक है, टी की जगह में आ जाएगी, यानी 150/15, तो 15 × 1 = 15 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 सेकंड में ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में आंसर करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड में आएगा, किलोमीटर में नहीं किया उसको चेंज किया,
तो जो आंसर आएगा वो सेकंड में रहेगा, ठीक है। तो क्या होगी, वो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर है, वह रेलवे पटरी पे किनारे खड़े व्यक्ति को जो है 10 सेकंड में पार कर लेगा, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। यहां पे क्वेश्चन में पूछ दिया है सीधा कि मीटर पर सेकंड में क्या होगी, ठीक है। तो फार्मूला लिख लेते हैं अपन, क्या होती है, चाल बराबर दूरी। इसी फार्मूले का यूज होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा हर में इसी फार्मूले का, ये याद रखना है। चाल बराबर निकालना है आपको, क्या होता है यहां पे, क्या क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और ये 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है। चाल आपको निकालना, चाल नहीं दिया हुआ है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 120 मीटर बटे समय कितना हुआ है 10 सेकंड। अभी यहां पे आपको डिजिट जो है, यूनिट जो है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मीटर में ही दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो कटा दो, कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, ठीक है, यानी 12 सेकंड, ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। मतलब चाल आपको दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकंड, लेकिन बोला क्या है कि चाल से जा रही एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अभी तक रेलगाड़ी की लंबाई को क्या करते थे अपन, जो दूरी दिया हुआ उसमें लिखते थे, ठीक है। यहां पे नहीं दी हुई है, 8 किलोमीटर चाल दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। दूरी लंबाई आपको निकालनी है, तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यानी प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है वो रेलगाड़ी जो है, ठीक है। दूरी निकालना है, नहीं दिया हुआ है, टाइम 30 सेकंड, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई जो है वही दूरी होती है वहां पे। देखो यहाँ पे एक खंभे को बोल दिया है, तो खंभे का क्या है, नगण्य होता है, क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले देखें कि खंभे की जो है लंबाई नहीं ऊंचाई होती है, ठीक है, इसलिए उसको जीरो लेते हैं, वरना उसकी भी दी रहती तो प्लस करके उसको भी ऐड करते दूरी में, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है, 30 सेकंड में पार करती है, तो देखो रेलगाड़ी की जब भी लंबाई पूछेगी, रेलगाड़ी किलोमीटर की लंबाई तक तो नहीं रहती, रेलगाड़ी मीटर में ही रहती है ना, 600 मीटर हो सकता है, 200, 300, 400 उसकी लंबाई जो है, तो उसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 को गुणा कर दो, दूरी निकालनी है वहीं पे रहने दो, बटे 30। अब कटा के देखो कितने, 3 से कटाते हैं अपन, ये 6 से कटा, 6 3 18 हो गया, 6 10 ये हो गया, ठीक है, 10 और 3 तो 10 5 50 हो जाएगी यहाँ पे, यानी 50/3, ठीक है। हमको दूरी निकालना है, दूरी को यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो 30 है वो क्या हो जाएगा, इधर आके इंटू में हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3 10 ये कट गया, अब गुणा कर लो, 10 10 5 50, यानी कि वो ट्रेन की लंबाई क्या है, 500 मीटर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूरी निकल गई आपकी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस दे दिया है आपने, ठीक है। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। अभी तक रेलगाड़ी वगैरह निकाल रहे थे, दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ती है, ठीक है। तो यदि पुल की लंबाई पूछे, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, तो उसको प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल क्या दिया हुआ है आपके पास, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूरी आपको, दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग क्या लेते थे, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई,
पुल की लंबाई, ये चीज में पहले अपन देखे थे अभी जस्ट कुछ देर पहले कि दूरी में क्या क्या लेंगे अपन। ठीक है, तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई तो दी हुई है हमको 130 मीटर, प्लस यहाँ पुल की लंबाई पूछी है, पुल की लंबाई हमको नहीं पता है और दूरी ही निकालना है, तो इसको एक से ले लो, 130 प्लस एक्स कर देंगे यदि दो लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, बटे समय क्या है 21 सेकेंड। अब फिर से आपको लंबाई पूछा है कि इसका पुल की लंबाई तो मीटर में ही होगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्योंकि टाइम 21 सेकंड में है, आवर में नहीं दिया हुआ है। तो 90 गुणा कितने से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, किलोमीटर को चेंज करते हैं तो 5/18, ये छोटी वैल्यू को याद रखना है। किलोमीटर टू मीटर में जाएंगे यानी छोटे डेटा में जा रहे हैं, तो छोटी डेटा 5 और 18 हमको ना 5 5 ऊपर मिलेगी, इसको याद रखना, ये याद करने का तरीका है। बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 130 प्लस एक्स बटे 21। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 18 से कितने बार में जाती है, 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, 18 पंचे, ठीक है 5 बार में जो है कट जाएगी, 5 पंचे क्या हो जाएगी यहाँ पे 25 हो जाएगी, 130 प्लस एक्स बटे 21। ठीक है, अब इस 21 को गुणा यहाँ पे कर देना है क्योंकि एक से निकालना है, एक्स वाला डेटा वहीं पे रहेगा और ये जो 21 से जो है इस से डाके क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगी। ठीक है, बराबर 130 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब गुणा कर लो क्या हो जाएगा, 25 एकम 25 और 2 से 25 दूनी 50 हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 5 यानी 525। ठीक है, तो 525 आया यहाँ पे, बराबर 130 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स वहीं पर रहने दो, बाकी जो अंक वाला है उसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 525 माइनस 130 हो जाएगी यहाँ पे इक्वल टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, 130 माइनस कर दो, तो 130 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और यानी 9 1 2 3, ठीक है 395 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो 395 मीटर किसकी वैल्यू है, एक्स की है, और एक्स अपन किसको लिए थे पुल की लंबाई को। ठीक है, तो पुल की लंबाई कितनी है 395 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न जो है समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत सारे पैटर्न जो है बचा हुआ है, जैसे दो रेलगाड़ी से रिलेटेड वो एक ही दिशा में जाएगी विपरीत दिशा में, और रुकावट संबंधी प्रश्न तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे, एक ही वीडियो में तो बहुत लंबी हो जाती है और अपलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम जाता है। ठीक है, तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।